हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम साधना और आज मैं रिएक्शन करने वाली हूँ वेयर इज पुष्पा, पुष्पा टू द रूल के टीज़र पे, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। टीज़र बड़ी 3 मिनट का टीज़र है, तो लेट्स सी और शुरू करते हैं। తిరుపతి జైలు నుండి బుల్లెట్ గాయాలతో తప్పించుకున్న పుష్ప ఆ ప్రయత్నంలో పోలీసులు పుష్పపై 10 రౌండ్ల కాల్పులు జరపగా తను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని తెలుస్తోంది. శేషాచలం అడవుల్లో పుష్ప జాడ కోసం మొదలవుతున్న కూంబింగ్ ఆపరేషన్. బాగ్రాపేట కొండపై పుష్ప దుస్తులు కనుగొన్న సర్చ్ టీం ఆ చొక్కాపై రక్తపు మరకలతో 8 బుల్లెట్ రంధ్రాలు సర్చ్ టీం కి దొరికింది. పుష్ప పోలీసుల కాల్పుల్లో మరణించాడన్న వదంతులు వ్యాపించడంతో చిత్తూరు తిరుపతి ప్రాంతాల్లో అల్లరి చెలరేగాయి. ఇప్పుడు మనం అన్నమయ్య సర్కిల్లో ఉన్నాం. ఇక్కడికి చేరుకున్న వేల మంది పుష్ప భద్రతలు సృష్టిస్తున్నారు. 8 బుల్లెట్లు, అన్ని గాయాలతో అసలు మనిషి బతికుండే అవకాశమే లేదు. ఇది ఖచ్చితంగా పుష్పను చంపడానికి చేసిన కుట్రే. నెల రోజులైనా చల్లారని అల్లర్లు పలు చోట్ల కొనసాగుతున్న 144 సెక్షన్. పుష్ప అతను ప్రాణాలతోనే లేడు అని కొందరు అంటుంటే అతను జపాన్, మలేషియా లేదా చైనాలో ఉన్నాడని మరికొందరు అంటున్నారు. పుష్ప బాడీని మాయం చేసి పోలీసుల డ్రామాలు ఆడుతున్నారు. అసలు పుష్ప ఎక్కడ? అసలు పుష్ప ఎక్కడ? బ్రేకింగ్ న్యూస్. ఇప్పుడే అందిన సమాచారం, అటవీ ప్రాంతంలో పులుల జాడ తెలుసుకోవడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన నైట్ విజన్ కెమెరాలో దొరికిన ఎక్స్క్లూజివ్ దృశ్యాలు ఇప్పుడు మీరు మా సిటీ కేబుల్ స్క్రీన్ మీద చూడబోతున్నారు. అడవిలో జంతువులు 2 అడుగులు వెనక్కేసినాయంటే పులి వచ్చిండదని అర్థం. అదే పులి 2 అడుగులు వెనక్కేసినదంటే పుష్ప వచ్చిండాడని అర్థం. పుష్పన్న బతికే ఉన్నాడియా? Let's watch it in Hindi also. One, two, three, go. गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार. इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां. पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है. शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है. भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए. खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान. सर्च टीम ने ढूंढ निकाली. पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए. इस वक्त हम अनामय सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं. 8 गोलियां लगी है. किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है. पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी. सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था. पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया. बघताई, अब ये ठीक है? बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई. पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाए. अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था.
बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है ना। रोल पुष्पा का हैप्पी बर्थडे आई कैन स्टार अल्लू अर्जुन। वाओ गाइस, फाइनली वी हैव सीन द टीजर। एंड जब मैं ये टीजर देख रही थी ना, तो आई वाज गेटिंग दैट वाइब कि लाइक व्हाई दिस टीजर इज 3 मिनट लॉन्ग, दैट शुड बी अ ट्रेलर। बट whatever they have shown in this teaser na, they just killed it। like teaser mein thoda sa hi kuch dikhana tha, but unhone usko hi kitni achhi tarike se dikhaya ki riots ho rahe hain, pushpa bahut social works karne start kar diye the apne paise se। like you know what, I'm still getting that flashback jab main pushpa movie dekhne gayi thi na, first wala, to us time pe us theater mein sirf 8 log the, only 8 people, with them I watched that movie। and maine usi din bola tha, जब मैंने रिव्यू किया था इस मूवी का, तो मैंने ये भी बोला था कि लाइक व्हाई पीपल आर नॉट वॉचिंग दिस मूवी, लाइक ये कितनी खतरनाक मूवी है, कितनी ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकती है। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ बोली थी, एंड फाइनली वही हुआ कि पुष्पा का मतलब क्या किसी के मुंह पे नहीं है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा नहीं हवा थक गए दिले, उसके सॉन्ग्स, उसके डायलॉग्स, पुष्पा फायर, लाइक सब कुछ सबके मनों में, दिलों में सब बस गया ना पुष्पा, कि कुछ नहीं कह सकते। एंड पुष्पा 2 की जो स्टार्टिंग हुई ना, वो बहुत ही मस्त हुई। शेखावत ने उसको गोलियां मारी, एंड लाइक ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग ऑल दोज फ्लैशबैक्स। फात फाजिल एक घायल शेर की तरह बैठे हुए थे, पूरे पैसों में आग लगाई थी, एंड उसके आगे मूवी स्टार्ट होने वाली है। ओ माय गॉड, आई कैन नॉट वेट। लाइक व्हाई दे डिडंट मेंशन द डेट यार, एटलीस्ट डेट आ जाती तो और अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने ये टीज़र तो देखा और हमको पुष्पा की एक झलक तो देखने को मिली, और उसकी उनकी आंखें से चमक रही थी, शेर की चमक रही थी। ओ माय गॉड, इट वाज किलर, एंड आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव दिस वीडियो। एंड अगेन आई वांट टू से हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन सर इन एडवांस, क्योंकि कल उनका बर्थडे है, एंड इसीलिए उन्होंने आज ये टीज़र डाला। हाँ, ऑल्सो गाइज, आई एम रिएक्टिंग ऑन देशमुद्रो मूवी, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड वॉचिंग माई रिएक्शन, यू कैन गो टू साधना मूवीज रिएक्शन, ऑल्सो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So yeah, that is it. If you like this video, give it a thumbs up, subscribe my channel. I'll see you super soon in your commentary video. Till then, bye-bye.